चैप्टर नंबर सिक्स बोले तो स्टफिंग, पेज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर। और थ्री एंड फोर दोनों को करने से पहले एक जरा छोटा सा पॉइंट मैं यहां पर कवर कर रहा हूं, जरा पॉइंट देख लेता है। क्या है पॉइंट? एक होता है वर्कलोड, वर्कलोड। दूसरा होता है वर्कफोर्स। 10 लोग मिलकर 20 लोगों का काम कर रहे हैं, 10 लोग 20 लोगों का काम कर रहे हैं। अगर मैं वर्कलोड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने रिक्वायर्ड मतलब और चाहिए, है ना। अगर मैं वर्क फोर्स का एनालिसिस करूंगा तो मालूम चलेगा कितने एक्चुअल मैं वर्क कर रहे हैं, यानी कि वर्कलोड और वर्क फोर्स एनालिसिस दो एनालिसिस हैं। वर्कलोड एनालिसिस करने से क्या पता चलता है कि हमारा, हाँ जी, हमारा वर्कलोड अगर ज्यादा है वर्क फोर्स से, इट मीन्स हमें और रिक्वायर्ड यानी और लोगों की जरूरत है। और अगर इसका अपोजिट होता है तो हम क्या बोलेंगे, हमें अभी ओवरस्टाफिंग है। हम बोल रहे हैं वर्कलोड एनालिसिस कब की जाती है, जब ये पता करना हो कितने रिक्वायर्ड और लोग हमें चाहिए, कितने और चाहिए क्या लगाना पड़ेगा, वर्कलोड एनालिसिस और एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये कहां से मालूम चलेगा, वर्क फोर्स एनालिसिस। चलो बेटा शुरू करो उसके आगे का। ट्रेड टेस्ट किस काम आता है, एग्जिस्टिंग स्किल के। अभी सबको बताओ इस बारे में, ये हम टेस्ट की बात करते हैं। पांच तरह के टेस्ट थे ये। हाँ जी, पहला टेस्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट बताता है डिसीजन मेकिंग के बारे में। दूसरा टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है न्यू स्किल आप सीखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। पर्सनालिटी टेस्ट बताता है आपका बिहेवियर, बोले तो आप इमोशनल फूल हो या नहीं। फिफ्थ वन आपका ट्रेड टेस्ट बताता है आपकी एग्जिस्टिंग स्किल के बारे में। लास्ट वन इंटरेस्ट टेस्ट जो बताता है किस बारे में कि आपको काम के अलावा और किस चीज का इंटरेस्ट है। तो यहां पर हमने क्या बोला, ट्रेड टेस्ट क्या बताता है आपको, एग्जिस्टिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहली बात तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस, है ना, ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या दिया उसने, रिसोर्स नेसेसरी, कितना रिसोर्स नेसेसरी है, क्या मिल रहा है यहां से, वर्क लोड या वर्क फोर्स, वर्क लोड। बाकी क्वेश्चन पढ़ो। और इम्प्लॉइज चाहिए, तो और इम्प्लॉइज चाहिए मतलब रिक्वायर्ड किससे आता है, ये वर्क लोड एनालिसिस। क्लियर है ये, किसी को डाउट है तो बोलो भाई, नहीं तुम हैरान से दिखाई दे रहे हो, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, पेज नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 17, बोलो बेटा। एक्सप्लेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधा सीधा हो गया तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और किसका, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या था, याद है, अभी फैक्ट्री के बाहर पर्चा लगा दिया जाता है, नोटिस लगा दिया जाता है कि इतने लोगों की जरूरत है। एंड व्हाट इज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का मतलब पुराने जमाने का, पहला क्या होता था, अरे
चार पे एक, एक पर एक और तीन, पहले चार, पहले चार रेफरेंस यानी से बोलते थे रेफरेंस या फिर रिकमेंडेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसका, गवर्नमेंट का, तीसरा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, और लास्ट कैंपस रिक्रूटमेंट, कोई भाग गया तो कैजुअल कॉलर्स। यहाँ पर वन पे वन में वर्कर चाहिए तो कहां से आएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और भाग गए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तीन एडवर्टीजमेंट, पुराना एडवर्टीजमेंट से कहते थे न्यूज़पेपर, दूसरा एडवर्टीजमेंट थ्रू टीवी, और तीसरा थ्रू वेब पब्लिकेशन। बोलो भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इन व्हिच अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। Unskilled or semi-skilled job seekers assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on the spot. क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक वर्कर जो होता है स्किल्ड अगर होगा, अब स्किल्ड को क्या बना दिया जाता है, स्किल्ड को क्या बना दिया जाता है भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कौन आता है, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड। स्किल्ड क्या है, आई थिंक फोर में सुपरवाइजर जो कि अनस्किल्ड लोगों से काम करवा रहे हैं, हमने बोला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू किसको हम लेके आते हैं, अनस्किल्ड और सेमी स्किल को लेकर आते हैं। और एडवर्टाइजमेंट बोलो बेटा, इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इन व्हिच वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स टू सर्च फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल। It gives the management a wider range of candidates from which to choose. हाँ भाई, तो newspaper and all यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, wider range बुला सकते हो। Next, page number 10, question number 11. Name the internal or external sources of recruitment used by Montag Enterprises Limited to fulfill up the above stated vacancies. Also state any one merit of each of the above identified source of recruitment. Atul, the assistant manager, Vikas, the marketing head, and Lena, the human resource manager of Montag Enterprises Limited, decided to leave the company. The chief executive officer of the company called the human resource manager, Lena, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Lena suggested that her subordinate, Ms. Rama Vadva, is a very competent and trustworthy person. If she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. Abhi underline kar lena, moved up in the hierarchy. Kya bata raha hai ye? Promotion. Kya bata raha hai ye? Promotion. Yani ek ki to job kaise fill ki gayi? Promotion ke through. Internal source ho gaya. The chief executive officer agreed for the same. Miss Rama Vadva contacted Smith Recruiters. अब Smith Recruiters क्या बता रहा है? Placement agencies and management consultant. Who advertised for the post of marketing head for Montag Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. Atul's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited अभी क्या हो गया, कैजुअल कॉलर्स, अनसोलिसिटेटेड डेटा क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है जो पहले से आ चुकी है लेकिन हमने पहले उसको सेलेक्ट नहीं किया था, अब हम और पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं इसलिए हमने क्या किया, कैजुअल कॉलर्स। हाँ आंसर बोल दो बेटा एक बार। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड टू फिल अप द वैकेंसीज आर प्रमोशन, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैजुअल कॉलर्स। और फिर उन्होंने बोला ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ दी, प्रमोशन का पहला फायदा, अब कई फायदे दिए हुए हैं फिलहाल देखते हैं पहला फायदा क्या दिया हमें प्रमोशन का, पहला पॉइंट मोटिवेशन। हाँ भाई, एग्जिस्टिंग लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी हमें भी आगे बढ़ा सकती है, ग्रेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट दूसरों पर भी जो साथ में काम कर रहे हैं, मोटिवेशन खुद को भी मिल रहा है, खुद को मिल रहा है और दूसरों को क्या मिल रहा है, हमें दूसरों के लिए क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, एंड मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट क्योंकि अपने खुद के एम्प्लॉइज हैं आप उनके बारे में जानते हैं, उनकी जेन्युइनिटी के बारे में जानते हैं। इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ, क्यों, क्योंकि आपको प्रमोशन में कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना। प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर पहला ये सुइटेबल नेम रिकमेंड करते हैं, दूसरा
ये क्या करते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव कंपनी को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, यानी दूसरी कंपनियों से वहां के इंप्लॉइज को तोड़कर आपकी कंपनी को लाकर देते हैं ये। एंड थर्ड वन कैजुअल कॉलर, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग। अभी कैजुअल कॉलर्स कौन, जो आपकी कॉस्ट को कम करते हैं, क्योंकि आपके पास ये लोग पहले ही अप्लाई कर चुके थे। दूसरा, समय बचता है हमारा इसके अंदर। एक पॉइंट बताना है, कोई भी एक पॉइंट, आई थिंक एक पॉइंट बताने में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। और इसके नीचे कुछ दिया हुआ है, इफ एन एग्जामिनर हैज गिवन ओनली द हेडिंग, हाफ मार्क ऑफ द, क्या मिलेंगे उसको, मिलेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्या करता है भाई ये, न्यू स्किल के बारे में बताता है कि आप न्यू स्किल चाहते हो या नहीं। बेटा सुनो, वो लास्ट तुम यार ये बताओ, तुम यहाँ वीडियोस ले रहे हो, तुम क्लासेस ले रहे हो, पक्का ले रहे हो ना क्लासेस? देखो नहीं तो पाप हो जाएगा तुम्हारा, तुम ही पाप, तुम ही उसके पाप के रहोगे, हम नहीं है, हम पाप से अलग हो रखे। पक्का ले रहे हो ना? तो नहीं तो तुम्हारी ये सब यूजलेस है, जो भी हम चैप्टर करते हैं उससे पहले उसको रेडी कर लिया करो यार, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट व्हिच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड द टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबिलिटी। बस बस बस, देखा ना क्वेश्चन के अंदर आंसर निकल के आता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ही, बोल रहा है कि अवेलेबल बताओ कितने लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी के बारे में कौन बताता है हमें? वर्कफोर्स एनालिसिस। और ऊपर से भी पढ़े तो कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन पढ़ लो, बोलो। भगवती एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ अ फेमस ब्रांड। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद फोर मेन फंक्शंस, परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड स्टाफिंग। As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. कुछ मिला नहीं, हिंट तो नीचे से मिल चुकी है, बोल रहा कितने अवेलेबल हैं, तुम्हें मालूम है किससे होता है वो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 20। Explain briefly casual callers and labor contractors as external sources of recruitment. बहुत बढ़िया। Casual callers. It is an external source of recruitment in which a list of job seekers is prepared and screened to fill the vacancies as they arise from the database of unsolicited applications kept in. सबसे important जो point है ना इसके अंदर वो यही है बस, unsolicited, है ना, यानी वो लोग जो पहले से हमें वहाँ पर try कर चुके हैं, हमने पहले उनको नौकरी नहीं दी थी, अब हम उनको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। It reduces the cost of recruitment. Labor contractors. It is an external source of recruitment in which a labor contractor maintains close contacts with laborers and provides the required number of unskilled workers at short notice. Labor contractors who recruit the workers are employees of the organization who recruit the workers. Next, page number 27 पे question number 11 है, लेकिन वो repeated है। अभी मिला रिपीटेड, देन फिर पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन नंबर 11 अगेन है, लेकिन वो भी रिपीटेड है। अभी मिला, इसके बाद पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, देखना भी। ये लोग, ये वो लोग हैं जो ना आंसर देख के मैच कर लेते हैं कि ये रिपीट है। बोलो। क्वेश्चन 3, व्हाई इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। अभी ये हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि वो हमारे लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, है ना। पहले तो ऊपर टेस्ट तो ले चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट उसके, लेकिन यहाँ पर हम फेस टू फेस होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जिससे कि हम ये समझ पाए कि वो जो भी बोल रहा था, जो भी उसने बायोडाटा में दिया है, वो सब सही है या फिर गलत, पहचानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आई
identify the concept which will help the human resource manager in deciding the actual number of persons required. Again, जैसे यहाँ पर लग गया actual number of persons बात बराबर आ गई. अब actual number, लेकिन actual number हमें कहाँ से मिल, किससे बताता है, मालूम चलता है? Workforce. अब यहाँ पर कुछ change आने वाला है. क्या है देखते हैं बोलो. Alpha Enterprises is a company manufacturing water geysers. The company has a functional structure with four major functions: production, marketing, finance, and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. अब ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, company decided to hire more employees. तो उसने end में क्या बता दिया, यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ. हाँ भाई क्या बोल रहा है ये, डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर. तो आपने वर्क लोड को एनालाइज किया था, मालूम चला कि आपको कितने लोगों की जरूरत है. वो वही बोल रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड ही पूछ रहा है, एक्चुअल में एक्चुअल लगा दिया उन्होंने, एक्चुअल के साथ कंफ्यूजन क्या आती है वर्क फोर्स की. लेकिन आगे आगे दिया हुआ है पर्सन रिक्वायर्ड इन द डिपार्टमेंट, तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, वर्क लोड. अब रिक्वायर्ड है तो क्या लग गया, वर्क लोड एनालिसिस. नेक्स्ट पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 17. एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन एज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय. It may lead to changes in duties and responsibilities, working condition, etc., but not necessarily salary. अभी क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसकी ड्यूटीज में अभी मे बी चेंज. क्यों, अभी तक वो पर्सिव डिपार्टमेंट में था, अब चला गया सेल्स डिपार्टमेंट में, तो काम बदल गया. सैलरी जरूरी नहीं है कि बढ़े, और मे बी बढ़ जाए. दूसरा प्रमोशन, promotions involve shifting an employee to a higher position, carrying higher responsibilities, facilities. ट्रांसफर क्या था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जबकि प्रमोशन क्या है, लेवल. फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे. और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, स्टेटस भी बढ़ जाता है, और पेमेंट भी आपको ज्यादा मिलता है. अच्छा मोटिवेशन यहीं पर मिलता है, ट्रांसफर में मोटिवेशन तो नहीं मिल रहा है ना. मोटिवेशन कहाँ मिलता है हमें, प्रमोशन में हमें मोटिवेशन मिलता है, और लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंप्लॉइज का बढ़ता है. नेक्स्ट पेज नंबर 51. बोलो बेटा. डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. अप्रेंटिस स्टेट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. द मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस बाय सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट. वाइडर चॉइस मिल गई. External sources bring fresh talent in the organization. External sources encourage competitive spirit among the existing staff. ठीक है सर, किस बात का, जो existing staff है उनको challenge मिलता है, competition मिलता है खुद को prove करने का as compared to youngsters. आगे. Describe briefly the following methods of training. Apprentice. Question number 11. Describe briefly the following methods of training. Apprenticeship training and internship training. Apprenticeship training is a method of training in which the trainee is kept under guidance of a master worker for a prescribed period of time. It is designed to acquire a higher level of skill. इसमें important चीज़ क्या है, master worker के under में काम करता है ये पहले. People who want to enter skilled trades, example plumber and electricians, are often required to undergo such a program. Internship training is a joint program of training between educational institutions and business firms. Besides carrying out regular studies, the trainee also works in some factory or office to acquire practical knowledge and skill. एक मिनट जरा यहाँ पर देख लेना, इसको मैं दोबारा एक बार कवर कर लूँ.
ट्रेनिंग दो तरह की, एक तो ऑन द जॉब, दूसरी ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और नीचे कौन होते हैं, ये सारे सारे वर्कर्स। हाँ जी, और हमने बात की थी कि किसी भी दो तरह की कॉलेजेस हमने रखे, एक तो जो मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, दूसरा टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं। तो जब कोई बच्चा स्टडी कर रहा था, करते टाइम अगर वो चाहता है कि समर वेकेशन में 10-15 दिन की ट्रेनिंग करनी है, तो क्या करता है वो कॉलेज किसी ना किसी कंपनी के साथ मिलकर टाइप करके क्या करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, जिसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। से क्या बोलते हैं मेन, क्या ये एंट्रेनशिप, क्या ये एंट्रेनशिप, जिसके अंदर आप पढ़ाई करते करते ये काम कर रहे होते हो। दूसरा, इसके अंदर जैसी आपकी पढ़ाई खत्म होती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म होते ही आप मैनेजमेंट में जाते हो काम करने के लिए, तो आप इसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या चीज, कोचिंग। क्या बोलते हैं इसको, कोचिंग। कोचिंग क्या होती है, किसी मैनेजर के अंडर में काम करते हो, जब सीख जाते हो तो आपको भी अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज दे दी जाती है। ऐसे ही जब आप टेक्निकल जॉब सीख कर आते हो तो आप किसी एक्सपर्ट वर्कर के अंडर में काम करते हो, जैसे आप काम सीख जाते हो तो अगेन आपको हायर अथॉरिटीज, यानी आपको मतलब काम आपको डेलीगेट कर दिए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर कौन सा, कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ जी, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो एक आदमी को दूसरा काम भी सिखाया जा रहा है, इसे कहते हैं क्या, जॉब रोटेशन। तो इस तरह से ऑन द जॉब में चार होते हैं, पहला क्या एंट्रेनशिप, दूसरा क्या कोचिंग, तीसरा क्या अप्रेंटिसशिप, और लास्ट वन क्या हमारा जॉब रोटेशन। इसके अलावा ऑफ द जॉब पे आ जाते हैं जरा, ऑफ द जॉब ये तो भाई याद हो तो तीन तीन रखे गए थे अलग अलग, पहला क्लासरूम लेक्चर, हाँ भाई, दूसरा फिल्म, तीसरा क्या केस स्टडीज। यहां पर जो रखे गए थे दो एक जैसे थे, बीच में एक था वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या कहती है, जब आपकी कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं, बट टेक्निकल ज्यादा मशीनें हैं, तो ऐसे में आप कहां जाओगे, आप ट्रेनिंग लेने जाओगे, या तो आप जर्मन चले जाओ, या फिर ऐसा एक और वर्क स्टेशन है जहां पर आप सीखने जा सकते हो, या फिर ऑफिस आज खत्म होने के बाद उन्हीं मशीनों पे आपको अलग से सिखाया जा सकता है, या फिर ऑन द जॉब जब काम चल रहा है तब भी वेस्टिबल ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो वेस्टिबल ट्रेनिंग में जब भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो हिंट कहां से मिल जाती है हमें, कॉम्प्लेक्स, कि मशीनें कॉम्प्लेक्स थी, ऐसे में उन कॉम्प्लेक्स मशीनों को कैसे मैनेज करना है। तो दो और बच्चे कौन कौन से, एक तो कंप्यूटर मॉडलिंग और दूसरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मॉडलिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज है, रिपीटेड तरीके से बार बार एक ही चीज दिखाते रहो कंप्यूटर के थ्रू, है ना। उससे क्या होगा, जब वो रियल पोजिशन में आएगा तो रियल टाइम जब वो काम करने के लिए पहुंचेगा तो उसकी माइंड में हिट करेगा कि यार ये काम करना है या फिर नहीं। एंड व्हाट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कहता है कि सब कुछ पहले से प्री सेट होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि क्या चीज कैसे होगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, वापिस आते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर यहीं पर आगे है 18। Explain two types of tests that Mr. Murthy can use to meet his requirements. Mr. Murthy is the human resource manager of Jai Hind Hospital in Vellore. He has to appoint nurses for the hospital. Since patients in the hospital are of different types, he wants to find out the candidate's maturity and emotions in dealing with the patients. He also wants to know about the candidate's ability to make decisions. हाँ जी, एक तो उसने बोला डिसीजन मेकिंग का कैसे होता है, ये इंटेलिजेंसी, तो आपको एक तो मिल गया इंटेलिजेंसी टेस्ट। हाँ भाई, एक तो मिल गया क्या, इंटेलिजेंसी टेस्ट, और दूसरा क्या होता है, इमोशंस। कहां है हमारे इसके अंदर, कहां गए इमोशंस क्या बताता है, आपका बिहेवियर, जिसे क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। हाँ भाई, मेरा रीड कर दो। Two types of tests that Mr. Murthy can use to meet his requirements are, first, personality test. It provides clues to a person's emotions, reactions, maturity, value system, etc. They probe the overall personality and are difficult to design and implement. Intelligence test. It measures the level of intelligence quotient of an individual.
It is an indicator of a person's learning ability or the ability to make decisions and judgments. Okay. Page number 56, question number 9. State any three limitations of the external sources of recruitment. Number 1, it may lead to dissatisfaction among existing employees as they may feel that their chances of promotion are reduced. So dissatisfaction hoti hai pehla point. It is a lengthy process as the vacancies. Bhai external process hai, lengthy process hai, bahut time lagta hai iske andar. पैसा भी खर्च होता है. It is a costly process as a lot of money is spent on advertisement and processing of applications. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 10th. Explain the following methods of training. First, vestibule training and internship training. Vestibule training. It is a method of training which is imparted with the help of equipment and machines identical to those at the place of work. The training is conducted away from the actual workflow and is generally used where the employees are required to handle sophisticated machinery. Sophisticated machinery, complex machinery, सब एक ही चीज है ना? और भी तुम लोगों ने ज्यादातर जब क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो तुम्हें ऐसे बहुत कम मिले होंगे क्वेश्चन जहां पर इतना बोल रहा है कि ऐसे ही वर्क स्टेशन पे. ज्यादातर क्या दे रहा होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन है तो वर्स्टेबल ट्रेनिंग हो जाती है. नेक्स्ट, इंटर्नशिप. Internship training is a joint program of training between educational institutions and business firms. Besides carrying out regular. पहले तो फिर मेन चीज क्या है, joint program है, college का भी और company का दोनों को मिलाकर. Besides carrying out regular studies, the trainees also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skill. Page question number 15, इसी के आगे. Explain the remaining steps that Mr. Raman should take to complete the selection process. Mr. Raman is the human resource manager of selection process. बोल रहा है selection process. कहाँ से start होती है selection process? Preliminary screening, फिर test, उसके बाद interview. Interview okay हो गया. Reference and background check. वो हो गया सिलेक्शन, मेडिकल, जॉब ऑफर एंड. बोलो भाई, देखते हैं क्या क्या हो चुका है ऊपर. मिस्टर रमन इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. अंडरलाइन करना, रिमेनिंग स्टेप पूछ रहा है. रिमेनिंग स्टेप. मिस्टर रमन इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ शांति हॉस्पिटल इन नेल्लोर. ही हैज टू अपॉइंट नर्सेस फॉर द हॉस्पिटल. For this, he has conducted preliminary interviews. Since patients in the hospital are of different types, he also conducted tests to find out the candidate's maturity and emotions in dealing with the patients. He has also conducted tests to know about the candidate's ability to take decisions. हाँ भाई, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि वो ability check कर चुके हैं test लेकर, है ना? और जो ऊपर दिया हुआ है ना preliminary interviews, interviews ना बोलकर इसको हमें वो screening ही एक तरह की है. इंटरव्यू तो नहीं हो सकता है क्योंकि तो इतना बुलाया नहीं जाएगा, पहले ही उसकी एप्लीकेशन देख के रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो क्या क्या बचा, टेस्ट हो चुका है तो आगे इंटरव्यू होगा. और उसने बोला क्या, रिमेनिंग स्टेप तो सारे स्टेप बताने हैं, है ना? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखो वही है, अगर आपको सारे स्टेप याद नहीं है तो फिर दिक्कत है ना. सारे स्टेप स्टेप बाई स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे. स्टेप्स बोल रहा है तो प्रोसेस से लिखने पड़ेंगे प्रॉपर. तो इंटरव्यू हो गया, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड हो गया, सिलेक्शन डिसीजन हो गया, मेडिकल हो गया, जॉब ऑफर हो गया और एग्रीमेंट हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट का. नेक्स्ट, पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 69-17. एक्सप्लेन एनी फोर सच ड्यूटीज परफॉर्मड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज व्हिच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म. वे तो फ्रीड होते हैं ज्यादातर ये. और मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब हम बात करते हैं क्या नाम है स्टाफिंग की और उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे मेन चार पॉइंट्स हैं, है ना? बाकी सब स्टाफिंग के, यानी स्टाफिंग के सारे पॉइंट हम कवर कर सकते हैं. वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही करना होता है, एस्टिमेशन और रिक्रूटमेंट सारे काम उसी के. चार कौन कौन से काम है, पहला काम अगर क्या
हाँ ठीक है, इंप्लॉइज की ग्रेवियंसेस सुनना, कोई भी केस कर देगा तो लीगल केस लड़ना, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है वो सॉल्व करेगा। चलो अभी आएंगे, आगे और आएंगे, फिलहाल देखते हैं रिक्रूटमेंट। हाँ भाई, रिक्रूटमेंट किसका काम था? स्टाफिंग का ही था, स्टाफिंग का था, एंड स्टाफिंग का था डेवलपमेंट, डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, ये किसका हो गया? हाँ भाई, स्टाफिंग का ही है क्योंकि वो कॉम्पनसेशन वाली बात कर रहा है ना, लास्ट पॉइंट था हमारा कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी स्टाफिंग, तो ये चारों ही स्टाफिंग के काम है जो ह्यूमन रिसोर्स भी करता है, तो वो सेम पॉइंट भी चल जाएंगे। Resolutions Private Limited is a publishing company. Its book on business studies for class 12 is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. यहाँ पर उन्हें overtime को ही बताते हुए कह दिया कि overtime करना पड़ रहा है, इसका मतलब workload analysis and workload ज़्यादा है लोगों के ऊपर। Managers in the marketing department are under stress as they have to handle more than two territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees and the manager. Answer A. Estimation of manpower requirement. उसने कहा था name and explain the step of staffing process which has not been performed. ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है क्योंकि उन्होंने पहला काम ढंग से नहीं किया, कौन सा एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर उन्होंने ढंग से नहीं की, कर लेते तो ओवरलोड वर्कलोड ज्यादा नहीं होता। और फिर उसने बोला है स्टेट द नेक्स्ट टू स्टेप, तो पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, और हम यहां सिंपल तरीके बता देंगे क्या होता है ये ना। नेक्स्ट है 72, ओके पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक, ये नहीं कुछ नहीं है, सही है, बोलो बेटा। क्वेश्चन 17 सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, आल्सो स्टेट एनी थ्री बेनिफिट्स दैट द वर्कर्स विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। The workers of Vyam Limited are unable to work on new and high-tech machines imported. बेटा पहले बात, तो जब भी हाईटेक मशीन आती है वहां पर हम क्या बोल देते हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग। Imported by the company to fulfill the increased demand. Therefore, the workers are seeking extra guidance from the supervisor. The supervisor is overburdened with the frequent calls of the workers. तो हमने क्या बोला कि ये क्या है, कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है इसको, क्वेश्चन में क्या था, लेकिन सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर्स कैन मेक देम हैंडल देयर, तो कैसे क्या करेगा वो, नोट वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही करेगा, लेकिन उसे बोलते क्या है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है ये, वेस्टिबल ट्रेनिंग, किसका पार्ट है ये? हाँ भाई, इसको हम ट्रेनिंग, इसको हम ये बोल सकते हैं, हाँ ये भी बोल सकते हैं, ट्रेनिंग देकर कैसी ट्रेनिंग देनी है, वेस्टिबल ट्रेनिंग देनी है, क्या है ये ऑफ द जॉब, क्या ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है एक तरह की। अब इसके अंदर यहाँ रिसर्च नहीं करनी है, ऑन द जॉब भी हो सकती है, हमें लेकिन हमें रिसर्च नहीं करनी, हायर स्टडी में जाके ऑन चलेगा, ऑन द जॉब भी हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है हमारी, ऑफ द जॉब, तो हम ऑफ द जॉब के पे बात करेंगे। फिर उसने बोला बेनिफिट क्या होगा इस चीज का वर्कर्स को, बोलो बेटा। बेनिफिट्स द वर्कर्स विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर, फर्स्ट इट हेल्प्स इन प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ ड्यू टू इंप्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज, it helps them to earn more due to improved performance. It reduces accidents as the employees are more efficient to handle machines. It increases the morale of the employees as the employees are more satisfied. बहुत बढ़िया। Next question number, इसी में इसी में है, हाँ 22 का बी पार्ट। State the two steps in the process of each function discussed in the above para. List. अच्छा। नहीं नहीं, values बाद में पढ़ेंगे। Question बाजो। A company was manufacturing LED bulbs which were in great demand. It was found that the. उन्हें बोला क्या भाई? State the two steps in the process of each functions discussed in the above, यानी कौन-कौन सी
कौन कौन से स्टेप ऊपर फॉलो किए गए बोलो. A company was manufacturing LED bulbs which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employees. On analysis, it was found that the workers were not at fault. Due to electricity failure and shortage of workers, अबे अंडरलाइन पहले चीज हो गई यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स निकल कर आ गया. The company was not able to achieve the set targets and alternative arrangements were needed. To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required, out of which 8 would work as heads of different departments and 10 would work as subordinates under each head. वो था ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस चल रहा है. The required qualifications and job specifications were also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, persons from backward and rural areas, and persons with special abilities to assume responsible positions in the organization. इस सब पर किसकी चल रहा है अभी? Estimation के. All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of work. हाँ जी. लास्ट टाइम दोबारा बोलो बेटा. All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of the work. हाँ भाई, ये कहाँ मैच करते हैं? रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है? अपनी जो हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंगली मैच किया जाता है. कौन लोग ऐसे हैं जो हमारे इस चीज को लेकर हमारे लिए सूटेबल है ना, क्या कौन करता है ये रिक्रूटमेंट. तो दो प्रोसेस मिल गए और सीधी बात है प्रोसेस तो है ना. तो इसके बाद क्या आता है एस्टिमेशन के बाद है ना. हाले ये लास्ट लाइन जो है कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं. अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता हो तो पहले लास्ट टाइम से इग्नोर भी कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना. क्या हमें दिखाई दे रहा है कि एस्टिमेशन ही लग रहा है. तो ऑल एफर्ट्स वर मेड, सब कुछ किया उन्होंने जिससे मैच कर सके अपनी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए. इसे क्या बोलते हैं इसको है बेटा, कैसे कर दो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं लेकर आओ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कर दोगे? क्या चीज दोबारा बोलो. ठीक है, और इसको पॉजिटिव बोलते हैं. इसमें बुलाए जाते हैं लोग और सिलेक्शन में मतलब बताया जाता है. नहीं तो पहली बात तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल एफर्ट्स वर मेड टू मैच द एबिलिटी. खाली मैच कर रहे हैं वो, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हम किसी को भगाने की बात कर रहे हैं. हम तो कह रहे हैं मैच करने की बात कर रहे हैं. मैच का मतलब ये क्वालिफिकेशन, ये स्किल, ये सब चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस हम उसकी बात कर रहे हैं. हमने बोले नहीं किसी को हटाना है ना. तो दूसरी प्रोसेस क्या हुई हमारे यहाँ पर, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस. Steps in staffing. First, estimating manpower requirements, which involves knowing how many persons are needed and of what type. To meet the increased demand, the company assessed that subordinates under each head. Recruitment, which involves searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Next. पेज नंबर 80 पर क्वेश्चन नंबर 17 रिपीटेड है. क्वेश्चन नंबर 22 का ए और बी पार्ट. स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अरे ए भी है बेटा, ए भी तो है. नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड. स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. बस बस. Mohit Gupta is working with Yellow Security Services Limited. He is also recruiting security guards for the company. The company provides security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. The guards are recruited on temporary basis. The guards provided by this company are known for their honesty and punctuality. पहली बात तो जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं सब पॉइंटों में सिर्फ अकेला लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है जो लोअर लेवल के इम्प्लॉइज को हमें दिलवाता है ना, और तो कोई होता नहीं है. तो लोअर लेवल गार्ड तो लोअर लेवल का ही है, तो उसे क्या बोलेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर. द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंचुअलिटी. मोहित गुप्ता इज वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. External source of recruitment or labor contractor. B part, disadvantages of external source of recruitment. First, it may lead to dissatisfaction among existing employees. ये तो पहले भी कर चुके हैं, है ना? Next. Question number 12.
पेज नंबर 85 स्टेट द नेक्स्ट थ्री स्टेप्स दैट दे विल हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट आकांक्षा निकिता एंड परिश्मा आर द ओनर्स ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट यूनिट इन द अर्बन एरिया ऑफ डिब्रूगढ़ इन असम which is involved in the manufacturing and marketing of seetal patti, traditional mats and japi, the traditional headgear. They decided to shift this manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing job opportunities to the locals. They followed the functional structure in this organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the type and the number of employees required. क्या हो गया ये? Estimation. Keeping in mind that they had to encourage the women and the people with special needs belonging to the rural areas. क्या चल रहा है अभी भी ये? Estimation. हाँ जी, तो उसने बोला क्या था? Estimation के बाद क्या तीन और step? Recruitment, selection and next page. नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 20 आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जी नहीं दूसरा नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्स यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स फॉर द फर्म जोसेफ ब्रदर्स वाज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैंप शेड्स इट यूजेस लेफ्टओवर जूट पीसेस फ्रॉम वेरियस जूट फैक्ट्रीज to manufacture economical lampshades which are supplied to various hotels in nearby towns. It employs men and women from nearby villages as workers for creating good lampshade designs. Joseph Brothers is not able to meet its targets. Namesh, the supervisor of the company, was told to analyze the reasons for the poor performance. Namesh found following problems and suggested certain solutions in the working of the business. The number of workers employed was less than that was required for the work. As a result, the existing workers were overburdened. The firm decided to search for new workers and it asked the present employees to introduce candidates or recommend their friends and relatives. क्या मिल गया recommendation? This enabled the firm in putting people to jobs and assured attainment of objectives according to plans. हमें तो क्या मालूम चल रहा है मैं देखो आंसर में क्या दिया गया उसको ध्यान से देखना हम बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो रही है जिसके अंदर हमें क्या बोल रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके अंदर भी क्या है ये रिकमेंडेशन है ना तो कोशिश करना अगर इस तरह प्रॉपर लिख सको तो ज्यादा बढ़िया है लेकिन बोर्ड क्या कहना चाहता है वो समझा जाता हूँ मैं अगर बोर्ड टीचर को ये तीनों चीजें लिख के दे रहा है हाँ भाई तीनों चीजें लिख के दे रहा है इसका मतलब बी स्पेसिफिक लेकिन कहां से आए हो वो भी बता देना कहां से मतलब रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे अगर तुमने रिक्रूटमेंट छोड़ दिया तो क्या नंबर मिलेंगे वापस देखते हैं ऊपर देखो क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्स दोनों चीज पूछी है सोर्स भी पूछा है इसका मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स भी बताना है कॉन्सेप्ट भी बताना है यूज बाय द टू अट्रैक्ट के किस तरह से हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कॉन्सेप्ट भी बताना है हाँ भाई कॉन्सेप्ट भी बताना है और सोर्स भी बताना है तो मेन चीज यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक तो रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है और सोर्स क्या है एक्सटर्नल सोर्स ठीक है स्टेप पूछा स्टेप कहीं उसने स्टेप पूछा था क्या इसके अंदर स्टेप तो नहीं पूछा इसका मतलब अगर रिक्रूटमेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा चलेगा या नहीं चलेगा जीप में निकाल रहे हो जीप निकाल रहे हो हाँ क्या बोलो बोलो दोबारा बोलो ना हाँ कॉन्सेप्ट मतलब होता है बी स्पेसिफिक स्टेप तो नहीं मांगे ना उसने तो हमारा कॉन्सेप्ट तो, अरे ये बताओ ये तो तुमने यहाँ पर रिक्रूटमेंट देख लिया मैंने तुम आंसर भी गलती बताओ तुम्हें बस है रिक्रूटमेंट लिखते अरे सोर्सेस तो दो होते हैं ना अपने पास रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स सुनो वो कह रहे नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स ठीक है उसने अब चेंज कर दिया हाँ बोलने का तरीका वो कह रहे कॉन्सेप्ट और उसके सोर्स तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहां पर रिक्रूटमेंट उसके सोर्स क्या हो गया इंटरनल एक्सटर्नल उसके अंदर वो क्या यूज कर रहा है तीनों चीज जरूरी है फिर आगे नेक्स्ट पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 11 बोलो नेम हैव डिफाइंड द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट
of a number of prospective candidates for a job. Selection is the process of choosing from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment. बहुत बढ़िया साहब जी. क्वेश्चन नंबर 17. Explain the way by which this method can be overcome. Also state how this helps the employees. A company manufactures very sophisticated switchgears used. Sophisticated machine आ गई फिर से ये. Vestibular training. For this the company uses high tech machines. Most of the times the workers of the factory remain idle because of lack of knowledge regarding the use of these high tech machines. The frequent visits by the engineers and constant supervision of the foreman results into high overhead charges. तो भाई क्या बोल रहे हैं हम बात किसी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात यहाँ पर हो रही है और उसने बोला क्या उसने क्या बताना है इसके अलावा एक्सप्लेन द वे बाय विच इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं और क्या था स्टेट हाउ दिस हेल्प्स टू द एम्प्लॉय बोलो बेटा दिस विल हेल्प द एम्प्लॉयज बाय नंबर 1 इंप्रूविंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज लीडिंग टू बेटर करियर हां भाई स्किल और नॉलेज बढ़ाएगा Enhancing the earning capacity because of better performance. Earning capacity badhegi. Increasing efficiency. Yani ki cost kam hogi. Haan. Increasing the satisfaction and morale of the employees. Reducing accidents. Bahut badhiya. Next question number page number 98 pe question number 11. Page number 98 pe question number 11. Name and define the process which helps in finding possible candidates for a job or a function. अबे वापस आते हैं. Name and define the process that helps in finding possible candidate. तो ढूंढते कहाँ पर है? Finding possible candidate for a job. Possible जो शायद हमारे पास आके काम कर सकें. हमारे लायक कौन लोग हैं? कहाँ से ढूंढेंगे? Recruitment से. यहीं पर अगर ये क्वेश्चन अगर स्टाफिंग वो सॉरी सिलेक्शन के लिए होता तो क्या पॉइंट आता है ना हाँ कि क्या बात हो गया ठीक है बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो नहीं रुको पहले मैं उसके बाद बता दूं उसको लगता होगा सर मुझे टोकते हैं मैं बता दूं तो अच्छी बात नहीं सर टोकते कॉन्फिडेंस डाला कि ठीक है तुम बेटा मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम हाथ जरूर खड़ा करोगे तो उसकी उम्मीद के चक्कर में मैं पढ़ पढ़ के आता था और कोशिश करते करते एक दिन मैंने हाथ डरते डरते हाथ खड़ा कर दिया उसके बाद तो हो गया फिर रूटीन में आ गया कि जब भी वो पूछेंगे तो अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं आता है तो हाथ खड़ा हो जाता था तो मतलब फिर वो जब भी ऐसा होता तो तालियां बजा देते थे तो खुशी और खुशी के बारे में दुगना डबल पढ़ाई इसके लिए भी हाँ जी बोलो अब ये है क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा वो वाला क्वेश्चन है जहां पर यहां भी एचआर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना मैं कह रहा हूँ एचआर पे क्वेश्चन आने पे केस स्टडी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है एचआर के फंक्शन पूछता है यहाँ तक जो मैंने बताया था चार के अलावा बाकी स्टाफिंग सारी हो जाती है तो एक बार इन क्वेश्चन तो बेटा सिस्टमेटिकली पढ़ी दो बोलो लिस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज दैट मिस्टर नरेश इज सपोज्ड टू परफॉर्म एज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर नरेश रिसेंटली कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट He has been appointed as the human resource manager in a truck manufacturing company. The company has 1500 employees and has an expansion plan in hand that may require additional 500 persons for various types of jobs. Mr. Naresh has been given the complete charge of the company's human resource department. Specialized activities that... Haan bhai, kuch nahi rakha is sab mein, jab bhi human resource ka aayega direct hit hona hai. एक बार हमें दो चीजों में ढूंढना है क्या क्या स्टाफिंग और एचआर है ना पहला पॉइंट स्टाफिंग दूसरा पॉइंट स्टाफिंग
दीज अबाउट स्टाफिंग अभी एच आर अगेन एच आर अचार नहीं बदतमीज एच आर हाँ जी सोशल सिक्योरिटी एच आर और जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन आती है एच आर तो एच आर की कितनी चार पॉइंट्स है एच आर के लिए. नेक्स्ट पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 1. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है बताएंगे हमें वृद्धि बोलो बेटा. परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड के कंपेयर में चेक करना कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी. परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी याद होगा हमने कहा था ट्रेनिंग पर गया ट्रेनिंग पर से जब लौट कर आया तो उसको बोला गया कि देख अगले डेढ़ महीने में तूने अगर इतना स्टैंडर्ड अगर अचीव कर दिया तो तुझे कुछ ना कुछ बोनस कुछ गिफ्ट या तुझे क्या नाम है क्या था वाला पॉइंट अपना नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर रिकॉग्नाइज कराएंगे तालियां बजा देंगे. ये इस बात का जवाब तुम्हारा मित्र देगा बेस्ट फ्रेंड देगा. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 या 19 प्रमोशन है अच्छा ठीक है जी का बात है. हाँ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा भी बोलो बोलो नहीं जी वो भी प्रॉब्लम है किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से देख के मालूम चलना अलग चाहिए गुजरात. अच्छा ये तो आंसर देख के समझ गए ना. हाँ भाई तो ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई कौन सा व्हाट इज मीन्ड बाय प्रमोशन. कोई प्रमोशन हमारे स्टाफिंग में भी आता है प्रमोशन और दूसरा प्रमोशन टूल होते हैं प्रमोशनल टूल्स होते हैं तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और इसका जैसे कि आंसर आप देख रहे हो तो आंसर को देखते हो समझ सकते हो कि ये किस चैप्टर से है लेकिन बोर्ड में आ गया तो गए है ना कि बोर्ड में आ गया तो कहां लिखोगे इसको प्रमोशन को. इसको नॉर्मली अगर ये मतलब हमारे मार्केटिंग में आता है तो हम इसको प्रमोशन टूल बोलते हैं है ना और वैसे तो नॉर्मल प्रमोशन बोलता है ये तो बड़ा वो तो नीचे से दिया अच्छा नीचे दिया हुआ कुछ अच्छा हाँ बोलो क्या दिया बड़ा नीचे भी तो वो तो मतलब बोर्ड ने कंफ्यूज दूर कर दी कि अगर आप कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो फॉलो कर लो. अच्छा ये बताओ अब इसके हिसाब से जब हम ये बोर्ड के पेपर्स देखते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ हमें मतलब आइस मिल जाती है कि हमें करना क्या है ना कि बोर्ड अगर ऐसा कहता है तो कैसा हमें परफॉर्म करना है. बोलो भाई नेक्स्ट तो इसको हम दोनों जगहों पर रख सकते हैं. हाँ जी इसको हम दोनों तरफ रख सकते हैं कौन कौन से में चैप्टर नंबर 6 में भी और 11 है 11 हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ये रहमान ए बैनर्जी हरप्रीत कौर एंड राजेश एज हेड्स ऑफ सेल्स अकाउंट्स परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हाँ भाई उसने बोला था द नेक्स्ट टू स्टेप्स जो ने स्टाफिंग प्रोसेस में फॉलो करने हैं क्या क्या आ गए सिलेक्शन हो चुका है. हाँ भाई तो अब क्या प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. हाँ जी आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट पेज नंबर पेज नंबर 127 एक मिनट बेटा जो पेज नंबर 120 पेज नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 12 बोलो इतनी मेहनत की रिपीट निकला चलो इसका आंसर बच्चे ने क्या लिखा है देखते हैं है क्या आओ भैया क्वेश्चन क्या था इसके अंदर नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय नहीं बच्चे ने क्या लिखा है पढ़ दो बोलो टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन यूज्ड द सोर्स इज प्रमोशन टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ मार्केटिंग हेड आशीष एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन यूज्ड द सोर्स इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म To fill up the vacancy of assistant manager, Raman, external source of recruitment has been used. This source is of cashmere collar. अबे किसी को इस बात की बाम तो नहीं है ना कि सर बहुत ज़्यादा लिखा है बच्ची ने कुछ भी नहीं सिंपल टू द पॉइंट ही पॉइंट है ना जो हमें मार्किंग स्कीम में मिल रहा है वही उस बच्चे ने लिख दिया एक तरह से तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है थोड़ी कम मेहनत में अच्छे नंबर लेने की कोशिश कर लेना भाई मेरिट बोलो मेरिट मेरिट ऑफ प्रमोशन कितने पॉइंट मांगे देखो मैंने मेरिट में 1-1 मेरिट मांगी थी बच्चे ने कितने लिख दिए हैं एक एक दो दो भी लिख दिए तो एक एक लिखी है नहीं चल कोई बात नहीं देख लेना तो अपने तरह से एक दो कर देना नेक्स्ट लास्ट इस साल का पेपर 2017-18 क्या कह रहा है क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 138 पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 23 बोलो भाई इसका पहला पॉइंट था जहां पर हमने ढूंढा था क्या फंक्शंस क्या है तो चैप्टर नंबर 1 में भी आता है फंक्शन और यहां भी आता है दूसरा पॉइंट क्या हमारा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दो स्टेप मांग रहा है वो जो ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं बोलो बेटा Gipra is terminating the employment of its senior managers if after evaluating their performance against predetermined standards, if it is found lacking. With this disruption, analysts say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills and apply their knowledge to work on emerging technologies. Gipra is ready to facilitate employee training through its in-house centers. अभी तो उसने बोला दो स्टेप बताने हैं तो ट्रेनिंग तो मिल गया लेकिन दूसरा पॉइंट जो आंसर में तुम्हें दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल कहीं वो मिला अभी तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो पूरा The IT major Gipra is terminating the employment of its senior managers if after evaluating their performance against उसने दिया after evaluating the performance against predetermined standards if it is found lacking with this disruption analysts say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technologies Gipra is ready to facilitate employee training through its in-house centers हाँ जी तो क्या बोला था उसने उसने बोला था कि क्या नाम है जो स्टैंडर्ड्स है प्री स्टैंडर्ड है अगर वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है तो क्या कर देंगे उसको निकाल देंगे है ना तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या कहता है कि अगर आप स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको निकाल भी दिया जाएगा बेस्ट परफॉर्म करते हो तो आपको रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है तो निकालना और रखना दोनों ही चीज किसमें आ रही है हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में इसके अलावा कुछ और तुम